अरे यार भैया देखो बात ऐसी है कि हुआ गया मेरे साथ वाले घर पे ना, उन्होंने ना म्यूजिक सिस्टम ऑन करा, मेरे दो शीशे तोड़ दिए उन्होंने। अब मैं आपके पास ना ऐसा म्यूजिक सिस्टम लेने ना कि पूरे ना मोहल्ला टूट दे, ठीक है ना, मेरे को खुंदा गया उन बंदों से। तो बताओ कुछ ऐसा है अपने पास स्पीकर वूकर कुछ, जो कि ये तो थोड़ा बीमार हो गया, इसकी आवाज़ आ नहीं रही कुछ खास। ये लीजिए सर। अच्छा ये है वो पड़ोसी के, क्या पूरी गली के शीशे टूट जाएंगे आपके, फाड़ देगा ये सबको। हाँ मैं तो नहीं फटूंगा ना। आप नहीं फटोगे पर बगे फट जाएंगे, शीशे फट जाएंगे। तो ठीक है मैं लेके चलता हूँ ये। ओके ये फैमिली एक बार दोबारा न्यू वीडियो लेकर। आज की वीडियो बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत सारे कपड़ों की बना ली, बहुत सारी जूतों की बना ली। अब टाइम आ गया है रिलैक्स होने का। यार बहुत बिजी था, फ्रस्ट्रेट हो गया था, थोड़े गाने गुने सुनने थे, टीवी देखना था, तो मैंने क्यों ना एक बढ़िया सा टीवी और सिस्टम लिया जाए। तो आज मैं आ चुका हूँ एक शॉप पे, जो शॉप पड़ती है लक्ष्मी नगर में, और मेरे साथ खड़े शॉप के ओनर सर। आपका नाम सर का नाम है सौरभ, और सर अपनी दुकान का नाम? हमारे दुकान का नाम है स्वराज एंटरप्राइज, ये आपकी लक्ष्मी नगर पिलर नंबर 43 के सामने आती है। ठीक है सारा, मैं इनका एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा। तो इस वीडियो में हम सारा आपको एक्सप्लेनेशन करके दिखाएंगे टीवी, साउंड सिस्टम, मोबाइल और वॉचेस। सर कुछ बताइए कि क्या क्या रेट दे रहे हो, क्या क्वालिटी दे रहे हो थोड़ा बहुत, ताकि फिर हम सिंगल सिंगल पीस में आगे बढ़ेंगे। सर एक्चुअली बेसिकली हम लोग का जो काम है ये होलसेल पे ही है सर, एक्चुअली एलईडीज पे। ठीक है। और एलईडीज पे मैं वीडियोस पे पीछे यही रीजन है कि एलईडीज सब लोग बेच रहे हैं, कि सब लोग आपको पता है पूरी दिल्ली में एलईडी बिकते हैं, सबके पास एलईडी है। लेकिन एक जो सबसे मेन इशू है कि एलईडी तो बिकती है, लेकिन एलईडी की क्वालिटी आप एक रेट से पूछते हो कि 32 इंच ये रेट है। जैसे हमारा जो बॉटम रेट है, हम लोग यहाँ पे कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं, बॉटम रेट हमारा 32 इंच में 5400 रुपये का, 5 या 400 का हम लोग, इसलिए हमारा एक्चुअली रेट है सर। 32 इंच का टीवी 5400 रुपीज का, कान कर लो साफ, सुन लो सर क्या कह रहे हैं, सीरियसली सर क्या बात है। हमारे एक्चुअली बेसिकली हम लोग का होलसेल का काम है, तो हम लोग कस्टमर के लिए ऐसा कुछ नहीं कि अलग से रेट रखते हैं, वही रेट रहते हैं जो कस्टमर हम लोग होलसेल में दे रहे हैं। लेकिन बेसिकली और एक चीज भी आता है कि इसके साथ साथ कुछ क्वालिटी इंक्रीज भी होती है। अगर 32 में है, जैसे कि 32 नॉर्मल में भी क्वालिटी है 200-400-300 रुपए के ऊपर में है, हम लोग इसके नीचे भी जाते हैं, लेकिन उसमें वो क्वालिटी नहीं आ पाती है। और थर्ड चीज़ जो होता है कि स्मार्ट में, जैसे कि एक अगर फोकस करेंगे, अगर आप बोलिए एक बार कैमरामैन थोड़ा सा टीवी दिखाओ जो ऊपर पड़ा है, ये आपका 40 इंच का स्मार्ट है। ठीक है, ये हम लोग दे रहे हैं ओनली 8800 का। आ जाओ सर वापसी आ जाओ। हाँ ठीक है, ये जो 40 इंच का स्मार्ट आपने देखा, ये है आपका 8800 का, 8800 ओनली। क्या बात, 40 इंच की स्मार्ट टीवी, जो 42 बॉक्स में एक्चुअली 42 देखा हो रहा था, तो मार्केट में सब लोग 42-42 बोल रहे हैं, वाकई में स्मार्ट लग रहा है टीवी। और उसके साथ साथ आप ये भी देखिए, ये भी एक 40 का स्मार्ट है। ये भी बहुत स्मार्ट है, है ना, ये 40 का स्मार्ट है, ये 4K रेडी है। इसकी जो रेंजेस आती है, ये आपका निरबाउट आ जाता है 12,000 तक, 12,000 तक का, क्योंकि इसमें डिफरेंसेस है, आप खुद भी देख सकते हैं दोनों में जो क्वालिटी में डिफरेंस है, वो मैं एक बार साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। जो 8,000 वाला है उसके पास इतना स्मार्ट है कि दो लड़कियां उसके पास गर्लफ्रेंड, जो 12,000 वाला स्मार्ट टीवी उसके पास 10 गर्लफ्रेंड है, इसलिए उसका थोड़ा सा रेट हाई है। तो सर अब कुछ हम चलते हैं, स्टार्टिंग दिखाएंगे अपन एक टीवी से कुछ बाकी सर साइजेस हमारे पास सारे लगे हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, ये 32 इंच के लगे हुए हैं, एक्चुअली इसमें हमारा कैमरा यूज होता है, 32 इंच मैंने जो 5400 रुपए का आपका रेट बताया, ये इसके बाद आपका ये 40 इंच का स्मार्ट है, 40 इंच के नॉर्मल जो हमारे पास है वो आपका 7,900 रुपए से आ जाते हैं, 7,900 40 इंच नॉर्मल। इसके बाद आता है 43 इंच, 43 तो ये क्लोज है,
दिखा रहा हूँ, 43 में अगर आप लेंगे तो 43 हमारे पास रेट है अभी 13,500 रुपये का, प्रॉपर 43। ये हमारे पास 50 के जो स्टार्टिंग रेंज है हमारे पास स्मार्ट में, वो स्टार्टिंग रेंज आपका होता है 16,900 से, 16,900 50 के स्मार्ट, उससे कम रेट के भी है हमारे पास, लेकिन वो लोग एक्चुअली काउंटर से सेल करना नहीं करते हैं, उसका क्वालिटी में प्रॉब्लम आता है। और इसके ऊपर 55 इंच जो हमारे पास स्टार्टिंग रेंज है वो आपका 21,000 से, 21,000 से हमारे पास 55 इंच के स्मार्ट टीवी। सर रेट क्या मतलब क्या, घर से पैसे निकाल के दे रहे हो लोगों को? तो ये जो आप रेट बता रहे हो, अगर कोई सिंगल पीस लेना चाहे तो वही रेट रहता है? हाँ वही रेट रहेंगे, लेकिन दो चार तो और एक चीज स्ट्रिक्टली है कि वो सिंगल वाला आके साथ निगोशिएशन ना करे। अच्छा, आपको सोचो वीडियो बन गया 50 इंच के, लोग बता रहे 22,000 25,000 में, 21,000 में 55 इंच का टीवी दे रहे हो स्मार्ट। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जो हमारे सर जो रेट मेंशन कर रहे हैं तो वो होलसेल का रेट, अगर रिटेल में लेना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा, पर उसमें आपको रेट नेगोशिएट नहीं हो सकता। आपको पता है जो रेट सर दे रहे हैं, मार्केट सर्वे कर लो, आपको ये रेट नहीं मिलना। सर ने आपको अलग अलग साइज के हिसाब से अलग अलग रेंज बता दी है, क्वालिटी A1 है, प्लस इनका एड्रेस है यहाँ पे, आ जाओ आप क्वालिटी चेक करके लेके जा सकते हो। ठीक है सर, इनकी वारंटी गारंटी के बारे में अगर बात की जाए, कुछ वारंटी की जांच हो जाती है कि वारंटी के कुछ चार्जेस होते हैं हमारे। हम लोग अगर 32 के कस्टमर आते हैं, दुकान वाले को वारंटी की जरूरत नहीं हो पाती, उनको पता है कि आइटम अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है। और सपोज हमारे यहाँ से बहुत जगह माल जा रहा है, बिहार जाना है, मुंबई जा रहा है, पटना जा रहे हैं, तो उनके पास ये भी पॉसिबिलिटी नहीं कि वो हमारे पास माल से भिजवाए। इनकी लाइफ तो ऐसी होती है, और वो लोग बेच रहे हैं। और एलईडी की लाइफ आपको ही पता है कि दिल्ली में नियर अबाउट 4-5 साल 6 साल में एलईडी कितनी सक्सेस हुई है। इसलिए सक्सेस हुई कि लोगों का ना ब्रांड का फैसिनेशन है, लोगों में क्या है कि इस ब्रांड का लूंगा, सैमसंग का लूंगा, सोनी का लूंगा, या कोई भी एक ब्रांड की फैसिनेशन हो रखी है। लेकिन अगर आप क्वालिटी उस ब्रांड को हटा के, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने ब्लैंक रखा हुआ है, यहाँ पे जस्ट मैंने आईवा यूज किया है, ये आईवा की टीवी नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ। जस्ट एक आप लोगों की कॉन्सेप्ट कैसे चेंज होती है, अगर आप एक ब्रांड का नाम देखते हो टीवी पे, तो आपकी आप एक ब्लैंक देखते हो और ब्रांड का नाम देखते हो, उसमें फर्क आ जाता है। तो ये चीज ये लोग दिमाग में भी हिट करता है ये चीज है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसको हटा के देखेंगे तो क्वालिटी वाइज आप ये वाला, जैसे कि हमारा 4K का टीवी है, इसमें जेन्युइन कंपनी के पार्ट्स ही यूज है और कंपनी की क्वालिटी है, ये हम लोग 22,000 रुपए का ये 4K का टीवी है। ठीक, तो ये अगर आप हटाते तो आप लोग बहुत पैसा मार्जिन बचा सकते हैं। और एलईडी में एक्चुअली मार्जिन कंपनीज का बहुत ही ज्यादा रहता है, क्योंकि उनका ब्रांड नेम ऑलरेडी इतना। तो ये सर की अपनी खुद की सारी मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है ना, आप यहाँ पे फोन करके क्वेरी ले सकते हैं। बाकी देख सकते हैं इनके ये बहुत सारे सैंपल्स लगे हुए हैं, प्लस पीछे इनका गोडाउन है जो मल्टीपल आपको टीवी एक एट अ टाइम, सर इधर देख लो सर, पीछे की मैंने बोला है पीछे घूमना नहीं है, तो एक ही टाइम पे आप 100, 150, 300, 400 जितने आप देना चाहते हो आपको मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है सर, हमारे पास आपको सारे क्वालिटी मिलते हैं, ऐसा कोई नहीं कि आप हमारे पास देखिए, बहुत लोग होते हैं इनको रेट्स में काम करना होता है, थोड़ा उनका डाउनग्रेड चीज होता है कि मेरे को सबसे सस्ता भेजना, लेकिन हम लोग सर एटलीस्ट एक बॉटम रखते हैं, इसके नीचे नहीं जाते, कि हम लोग क्वालिटी भी दे सकते हैं, हम लोग रेट भी अच्छा देंगे आपको, उसके साथ साथ क्वालिटी भी देंगे। जैसे कि 32 में या 40 में कोई भी आता है हमारे पास, तो हम लोग वेरिएंट दे सकते हैं आपको, कि ऐसा नहीं कि मैं 32 में आपको एक ही स्मार्ट दिखाऊंगा या 40 में एक ही स्मार्ट दिखाऊंगा, 40 में आपकी जैसे पॉकेट फ्रेंडली होगी, मैं सारी क्वालिटीज भी हम लोग दिखाएंगे, और उसके साथ जैसा आपको जिस क्वालिटी में लेके काम करना है वैसा हम लोग कर देंगे। और सेकंड, अगर कोई ऐसा है कि किसी को अपना ब्रांड बनाना है, अपने ब्रांड की हम लोग ऑलरेडी ब्रांड भी करते हैं, अगर आपके ब्रांड पे आपको अपना डब्बा चाहिए अपने हिसाब से, अपना ब्रांड नेम अपने मतलब अपना ब्रांड नेम आपको टीवी में चाहिए, वो भी हम लोग करवा के देते हैं। इवन की गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन जो होता है कोई भी कंपनी खोलने का, वो भी हम लोग करवा देते हैं। ठीक है, तो ये ऑल इन वन सोल्यूशन है। सबसे पहले तो बात की जाए रिटेलर और होलसेलर के लिए, स्टार्टिंग प्राइस है 5400 रुपए, यानी कि 5400। उससे डाउन भी जा सकते हैं, लेकिन जो क्वालिटी दे रहे हैं वो ऐसी क्वालिटी दे रहे हैं जो आपको कोई भी ब्रांड में चले हो 8,000-10,000 स्टार्टिंग मिलती है, वही उससे बेटर क्वालिटी आपको 5400 दे रहे हैं। पहली बात, दूसरी बात, हम लोग बोलो सर 5600 रुपए में हम लोग अगर 32 की मेटल बॉडी हम लोग दे रहे हैं, 5600 में हम लोग जो बॉडी होगा वो मेटल का, वो मेटल में दे रहे हैं। पहला बात ये कवर हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जैसा प्रोडक्ट चाहते हैं अपने पॉकेट फ्रेंडली के हिसाब से, आपको सर आपको दिखा देंगे, साइज हमारे पास सारे मिल जाएंगे। प्लस आपको अगर अपनी ब्रांडिंग करवाना चाहते हैं इनसे, कि अगर आप होलसेल अगर आपको एक अपना ब्रांड क्रिएट करना है, तो सर के पास सारी फैसिलिटीज़ है, जो सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, जो भी इशू करवाना होता है वो सारा करा के देंगे, आपके ब्लॉक्स आपकी लेडिंग सारी करके देंगे, क्योंकि सर मैन्युफैक्चरर होलसेलर दोनों हैं। ठीक है जी, जैसे कुछ आप बता रहे थे क्वालिटी के बारे में, तो जैसे हम इन दो टीवी की बात करें, कैमरा मैन यहीं रखो, टीवी वहाँ चल रहा है पीछे, मेरे पास ही रखो ठीक है।
तो अगर इंट्रो टीवी की बात की जाए तो क्या क्वालिटी डिफरेंस रहता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। जैसे हम ये इसमें आप दो टीवी हम देख पा रहे हैं चल रहा है, लेफ्ट और राइट को थोड़ा कंपैरिजन बताओ एक बारी। सर एक्चुअली क्या होता है ना, बेसिकली जब भी आप टीवी के पास टीवी लेने आते हो आपको पेन ड्राइव चला के दिखाता है, ठीक है, वो पेन ड्राइव चला के दिखाता है। पेन ड्राइव में क्या है, कंटेंट अच्छे आने हैं। अगर पेन ड्राइव में आप कभी क्वालिटी नहीं चेक कर सकते हो कि पेन ड्राइव में आपकी क्या क्वालिटी है, और हम लोग कभी कंटेंट चला के कस्टमर को नहीं दिखाते। हम लोग हमेशा यूट्यूब फिर आपको दिखाएंगे तो आपको एक्चुअल फोटो आएगी। जब आप टीवी देखने वालों के आप तो हमेशा पेन ड्राइव लगा के देखोगे नहीं, आप घर पर जाके टीवी लगाओगे तो टीवी में आपको जो रेजोल्यूशन आएगा वही हम लोग करते हैं कस्टमर को भी दिखाएं। इसके लिए क्वालिटी में फर्क होता है और वो सारा चीज़ आपके सामने दिखी रहा है। आप दोनों को कंपेयर करेंगे दोनों में कितने ज़्यादा फर्क है, कंपेरिजन दिखा दिए लेफ्ट साइड वाला कंपेरिजन और राइट साइड में रेट का डिफरेंस है। ये आपका 50 इंच का टीवी है, 22 हज़ार का, ये फोर्के जो राइट साइड वाला है ये फोर्के है और इसमें कंपनी का नहीं लगा हुआ है, ठीक है ठीक है। और ये जो है ये आपके जो मार्केट में चल रहा है, और सबसे बड़ा चीज़ आप लोग ना बेसिकली कस्टमर चाहते हैं ब्रांड नेम के बजे जब लोग देखते हैं ना तो मतलब सबको पता है ये लोग बेच ही रहे हैं, अपना जुबली नहीं बताया ये। लेकिन आप सोचो अगर कोई दूसरे का ब्रांड लेके जो बंदा फेक ही कर रहा है ना, अगर फेक काम ही कर रहा तो वो आपको वही क्वालिटी देगा जिसमें उसका मार्जिन बचे, उसको आपको अच्छा मार्जिन क्वालिटी भी नहीं दिखाएगा, इसके लिए मार्केट भी डाउन होता है बहुत ज़्यादा। तो यही सारी चीज़ें हैं बस, कि अगर आप काउंटर में आते हैं हम लोग आपको सारा वेरियंट दिखा देते हैं कि आपका जैसे प्रॉफिट बन गया। तो सर ने आपको थोड़ी सी गाइड कर दी, थोड़ी नहीं वैसे काफ़ी ब्रीफ में इन्होंने गाइड करा है आपको। जब भी आप कोई परचेज करो तो परचेज करने पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो सर ने आपको मेंशन कर दिए, वो पॉइंट देख के आप अपना परचेज कर सकते हैं। क्योंकि ये फैक्ट है कि हम लोग हमारे पास जब कस्टमर आता है ना, यही पूछेंगे 40 इंच स्मार्ट का क्या रेट है। अब 40 इंच स्मार्ट में ही आप इतने सारे वेरियंट है तो ये चीज़ ये हर चीज़ में होता है। 24 में लेकिन 24 में हम लोग अच्छा ही क्वालिटी मिलता है, हमारे पास 24 हज़ार की रेट है, मेरे पास 3,800 रुपये ये होलसेल का ही रेट है। और अगर कस्टमर आएंगे तो 5,000 रेफरल देंगे तभी दे पाएंगे। और सेकंड है कि इसके नीचे हम लोग नहीं जा सकते क्वालिटी, मतलब मार्केट में जो इससे भी नीचे वाले 4.5 के लोग बेच रहे हैं, लेकिन हम लोग एटलीस्ट एक क्वालिटी ऐसे ही मेंटेन रखते हैं कि आपकी एटलीस्ट 5-7 साल तक टीवी चले, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, तो बस लास्ट में ना टीवी की बात कीजिए, बस लास्ट में बता दो साइज के अकॉर्डिंग रेट फटाफट बोल दो ताकि लोग थोड़े अट्रैक्ट हो जाए। 24 इंच का हम लोग दे देंगे अबाउट 3,800 का, और ये सारे मैं रेट जो बता रहा हूँ आपको आगे रेफरेंस दिखाना, मेरा नाम बोल देना, रेट मिल जाएगा होलसेल वाले को बता देंगे, रिटेल वाले को बता देंगे। अरे बल्ले बल्ले बजेगी आपकी, हां ठीक है सर। 3,800 रुपये में हम लोग देंगे 24 इंच का टीवी, 5400 में बहुत बढ़िया क्वालिटी, 32 इंच का टीवी 6,800 तक हम लोग दे देंगे, 32 स्मार्ट इसके ऊपर भी है मेरे पास, दो एक वेरियंट और भी है वो आप देख सकते हैं क्वालिटी। 40 का नॉर्मल हम लोग दे देंगे आपको 7,900 में, और 40 का स्मार्ट आपको दे देंगे 8,800 में, ये रेट्स है। और 50 हमारे पास नियर अबाउट 16,900 से स्टार्टिंग रेंज है जो क्वालिटी रहेगी इसमें आपको, और इसके नीचे 15,500 वो मैं हम लोग बेचते नहीं है, वैसे अगर किसी को चाहिए उससे कम रेंज में हम लोग रेंट लगा देते हैं। और 55 इंच का हमारे पास जो स्टार्टिंग रेंज है आपका है 21,000, 4K अगर जेनुइन रहेगा तो 24,500 समथिंग चला जाएगा जिसमें ओरिजिनल कंपनी पहनी रहती है। 65 इंचेस का जेनुइन 4K हमारे पास रहते हैं आपका 39,000 जो ऑरिजिनल 4K है। वैसे स्टार्टिंग हमारे पास 34-35 के भी है, लेकिन 65 में हम लोग सिर्फ 4K बेचते हैं, उसके नीचे का क्वालिटी नहीं बेचते। ठीक है, तो मतलब जो लास्ट साइज जो है 64 इंच 65 और 75 भी हमारे पास 75 का हमारा जो रेट है वो आपका 1,00,000 का, 1,00,000 लेकिन उसमें मतलब ओरिजिनल कंपनी के बैंक कंपनी है। तो मोटा मोटा आपने जितने शौक पूरे कर रहे ना, मार्केट रेट से 30-40 हज़ार रुपये का डिफरेंस आपको मिल जाएगा बड़े बड़े टीवीओं में, छोटे टीवी में भी 10-15 हज़ार रुपये का मार्जिन डिफरेंस आपको सर बीटेबल रेट दे रहे हैं। अपने सारे शौक पूरे कर सकते हैं, बड़े बड़े टीवी लगा के अपने घर पे, टीवी घर पे लग चुके हैं। ठीक है, अब आपको चाहिए साउंड, एक्स्ट्रा साउंड चाहिए आपको, ढासू देखा था स्टार्टिंग में बेस, तो आप वहाँ पे आते हैं आपको बेस लगाते हैं। सर कुछ दिखाओ, ये इतने सारे मॉडल चमक रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दो इनके बारे में। साउंड में भी हम लोग करते हैं, ये भी बेसिकली होलसेल पे ही हम लोग का ज़्यादा काम है। ठीक है सर, तो साउंड में हमारे पास जो स्टार्टिंग रेंज होता है 4 स्पीकर के साथ विद वारंटी, 6 मंथ की वारंटी देते हैं हम लोग उस पर। ठीक है, आपके आते हैं 800 रुपये ये होलसेल की रेट। हाँ, मैं आपके वीडियो में एक्चुअली मोस्टली होलसेल करते करते हमारे मुझसे सर होलसेल वाले रेट निकल जाते हैं, रिटेल वाले नहीं निकल पाते हैं। ठीक ठीक, तो 800 रुपये का पड़ेगा ये विद 4 स्पीकर के साथ वाला मॉडल आपका। ये मॉडल आप देख सकते हैं, कोई नहीं मैं दिखा दूंगा वैसे यहाँ पे देख रहा ये 4 चैनल सारे लगे हुए हैं। बाकी रेंजेस ऑन एवरेज सर एकदम सारा पर्टिकुलरली डिटेल वाइज मतलब डिस्क्लोज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। वैसे 800 रुपये से स्टार्टिंग हो जाते हैं, उसके बाद 1200 है 1500, मतलब 4 स्पीकर की बता रहा हूँ। ये वाला आपके एक डबल स्पीकर में जाता है 1450 रुपये का विद वारंटी 1 साल का। ठीक है, और ऊपर वो लगे हुए हैं 2650 के
800 रुपए से 4 चैनल आपको मिल रहे हैं। इससे बढ़िया क्या होम थिएटर भैया, सारे शौक पूरे कर लो मात्र 800 रुपए में। और स्पीकर सही कह रहे हैं सर, और फिर थोड़ी थोड़ी रेंज बढ़ती रहेगी और स्पीकर के जो क्वालिटी है उसमें सबसे हाइयर होती रहेगी। इसके बाद सर नीचे भी कुछ लगे हुए हैं, टावर्स हमारे पास जो स्टार्टिंग रेंज आते हैं वो 1500 रुपए से सिंगल टावर आ जाते हैं। फुल चेक रेट बता रहा हूँ मैं आपको, 1500 रुपए में सिंगल आ जाते हैं। अब दूसरे में टावर भी वही सेम चीज होता है, इंडियन भी होता है इम्पोर्टेड भी होता है। ठीक है, इंडियन जैसे कि आपके बड़े बड़े टावर से इंडियन हमारे पास डबल पेयर आपके 7500 रुपए में आ जाते हैं। ठीक है, ये भी आपका मेरे बहुत 6000-8000 आ जाते हैं। और बाकी जो छोटे हमारे पास कुछ इम्पोर्टेड है, लेकिन ये इम्पोर्टेड की वजह से ये सारे साथ इसकी भी 7500 तक ही लगे क्योंकि वो इम्पोर्टेड है। छोटे वाले सारे होम थिएटर में आएंगे, नहीं ये टावर में सारे टावर जो जी टावर स्पीकर सर ने बताए हैं, टावर स्पीकर आपको किस किस रेंज में स्टार्टिंग सेंडिंग में दोबारा ब्रीफ कर दो। स्टार्टिंग टावर हमारे पास जो मतलब एक 1 ईयर वारंटी स्टार्टिंग जो रेंज है वो 1500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है, और टॉप मॉडल तो 20 तक भी जाते हैं। जैसे हाँ एक नॉर्मल रेंज से 20 तक का जो रेंज होता है वो डीजे सिस्टम आया है, उसमें कंसोल वगैरह सारा रहता है। वो देखा जाए तो 1500 वाला जो मॉडल बता रहे हैं वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, आप लेके चल सकते हैं। टावर आपका 8-10 हज़ार तक बहुत अच्छे क्वालिटी आ जाते हैं, इम्पोर्टेड मिल जाएंगे। ठीक है, लाके तिन पग बलिए पेंदे पंगड़े गद्दी दी डिंगी खोल के नी लाके तिन। अबे किसका फोन आ गया है? हेलो, अबे ये भी नहीं है। हेलो, अबे किसका है? हेलो, समझ नहीं आ रही फोन किसका है। हाँ जी, ओ मैं शूर थे हैं बात से गल करना यार, की गल कर रहे हो, इन्हें फोन मारी जा रहे हो, करना बात से। ओके हाँ जी, तो ये थी वीडियो आज की, आपको मैंने दिखाया इस आउटलेट में आपको A1 मिलेंगे, LED आपको मिलेगा, साउंड प्लस एक चीज और है मोबाइल फोन्स भी आपको मिलेंगे। हमने वीडियो के अंदर इतना नहीं कवर कर पा रहे क्योंकि वीडियो हो रही है बहुत लंबी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप सर को फ़ोन करें अगर आपको LED चाहिए या साउंड चाहिए या मोबाइल चाहिए तो आपको आराम से मिल जाएगा। कौन सा मॉडल चाहिए आपको वो भी मिल जाएगा, प्लस इनके पास टाइम भी है, अपना टाइम आएगा, इनके सारी वॉचेस मिल जाएंगी। ठीक है ना, जो भी मार्केट रेट में जो रेट मिल रहा है सर की गारंटी है कि हर प्राइस में 500-600 लेस करके देंगे, जो कि सर मुझे बता रहे थे। सर पानी पीने गए थे, सर पानी पी लिए थे, एक बार आ जाओ वीडियो पॉइंट करना है हमने। सर आ जाओ, पानी ठंडा था गर्म था? गर्म था। ठीक है, गर्मी बहुत बढ़ रही है तो वीडियो को एंड करेंगे। सर मैंने बता दिया मोबाइल फोन सारे मिल जाएंगे ना, तो फ्री तो नहीं दे रहे, मतलब पैसे पैसे पैसे। ठीक है, तो मार्केट रेट से मतलब थोड़ा एग्जांपल के तौर पे कितना फर्क आ जाएगा आपका विजिट अनएक्सपेक्टेड था, इसलिए मैं आपको अभी वैरायटी नहीं दिखा पाता, वरना तो वो तो अगर आपका सब्सक्राइब में डिमांड करेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे फोन पे, मोबाइल के ऊपर बना लेंगे। ठीक है, और फोन का जैसे मैं फोन एन एवरेज हिंट देता हूँ, जो दुकानदार बेसिकली हमको दुकानदार ही कॉन्टैक्ट करें कि सर फोन पे हम लोग का वही है कि कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग आता है। जैसे मिल जाते हैं iPhone 7 Plus है, फाइंड एक्स आपको मिल जाएगा 31,000 का विथ वारंटी है, आपका 7 Plus मिल जाएगा हमारे पास 27,500 में 128 GB, S10 Plus एक 2.5 महीने हुए इसके, 2.5 महीने पुराना है ये, आपको मिल जाएगा 47,000 का ओनली S10 Plus 128 GB। फिर आपका S9 मिल जाएगा हमारे पास 128 GB 19,500 का। और सेकंड है कि जिस डेट पे लोग आए उस डेट पे एक बार पता कर लें कि उस टाइम हमारे पास क्या स्टॉक है, क्योंकि अभी तक मैं आपको दिखा रहा हूँ कल तक वो भेज जाएंगे कुछ जाएगा, लेकिन फोन पर भी हमारे रेट बाकी लोगों से कमी मिलेंगे, 6,000-9,000-9,500 तक मिल जाएंगे। और घड़ियों की बात कीजिए, मार्केट रेट में एग्जांपल तौर में अगर 3,000 की घड़ी कोई दे रहा है वही सेम घड़ी कितना देंगे हम लोग, मेरे बोर्ड 2100-2200 तक दे देंगे, हमारे इसमें भी क्वालिटी भी काम 100-150 आप रेट लगा देंगे जो भी आप नेट पे। हां, जितने वीडियोस हैं सर बता रहे हैं, सर भी YouTube बहुत चेक करती है, सर बता रहे हैं सर वीडियो चेक करिए इतने महंगा सौदा क्यों हुआ भाई, हम सस्ता दे रहे हैं हमसे ले लो, तो मैं कोई नहीं आप बुलाओ हम वीडियो बनाते हैं फिर हमारे जो YouTube फैमिली उनको सस्ता माल दो। ठीक है, ये तो बता दिया, और है एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता था, जैसे कि आपके व्यूअर्स तो अदर सिटी से भी हैं जो दिल्ली पे नहीं है, और सेकंड है कि कोई भी अगर नया काम स्टार्ट करना चाहता है ना दिल्ली से बाहर का है,
वो स्टार्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसको उतना क्वांटिटी एक डर भी रहता है यहाँ से दूर से इतना दूर से काम करेगा। हमारा डायरेक्ट काम है मुंबई और कलकत्ता में, हमारे ऑलरेडी काउंटर्स हैं वहाँ पे। अगर बाहर के जो भी कस्टमर्स हैं सपोज अगर कोई मुंबई से है या कोई कलकत्ता से है अगर वो वहाँ पे लेना चाहते हैं तो वहाँ पे भी हमारे काउंटर्स हैं, वो चाहे तो हमारे उस काउंटर में विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी वो ले सकते हैं। लेकिन रेट्स में थोड़ा सा फर्क होगा क्योंकि यहाँ से जब हम लोग का कोई जाता है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, कुछ माल ब्रेकेज होता है 5-10% की ब्रेकेज रहती है, तो उसकी जो एडिशनल कॉस्ट है हम लोग उस काउंटर्स में वही ऐड करके कस्टमर्स को मिल जाता है। और सेकंड है कि आपको वहाँ पे सारा देख के आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आपको मंगवाना होगा तो आपको पता चलेगा क्या है, वहाँ पे भी आप चाहे तो आइटम देख सकते हो। मुंबई कलकत्ता में हमारा डायरेक्ट है काम पूरा, बाकी पुणे अहमदाबाद में भी कोई वहाँ पे काम स्टार्ट करना चाहता है तो हम लोग वहाँ पे कॉन्टैक्ट दे सकते हैं। हाँ कॉन्टैक्ट दे सकते हैं, ऑलरेडी हमारे काम चल रहे हैं वहाँ पे जिनके साथ पुराना। और मुंबई कलकत्ता में हमारे खुद के आउटलेट्स हैं तो वो जाके हमारे आउटलेट से विजिट कर सकते हैं, रेंज आपको एकदम बेस्ट मिल जाएगा। छोटी मोटी कंपनी नहीं है, देख सकते हैं दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता 2-3 स्टेट्स के अगर नाम बता रहे हैं। तो ये तो सर ने बताया है कि भाई साहब इंडिया के अंदर बहुत सारी स्टेट्स में सर माल भिजवा रहे हैं। सर एक बात और, अगर कोई इंटरनेशनल फैंस कोई देख ले हमारे ब्रांचेस है कलकत्ता और मुंबई में, और बाकी अगर किसी और स्टेट में किसी को चाहिए तो हम लोग भिजवा देंगे यहाँ पे, ऐसा कोई बात नहीं। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपका जाना है तो हम लोग उसको ट्रांसपोर्टेशन की खर्चा एक्स्ट्रा उनको पे करना होगा और पैकिंग वगैरह का जो भी चार्जेस है वो देना पड़ेगा। भैया हम लोग ऐसे ही करते हैं ताकि आपके डैमेजेस ना हो। भैया ने एक ट्रक रखा हुआ है स्पेशल, फोन कोई भी स्टेट से आ जाए ना रात को ट्रक निकलता है, मान लो कि भैया आपके घर प्रॉपर सेटअप करके जाएंगे। ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ आप यहाँ पे स्टोर पे विजिट करें, जो उनकी क्वालिटी एक बार चेक करें, आपको बहुत अच्छे रेट में आपके सारे शौक पूरे हो सकते हैं। तो सर वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है सर, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और सर ये बेल आइकन है प्रेस कर दो, बेल आइकन प्रेस करना। आपने कह रहे थे पबजी, नहीं ये हर जगह तो मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके बाय।